तो स्वागत है आप सभी का आपके छोटे चैनल पे। इसका नाम अंकित सिंह, जैसे कि आप सभी को पता है मेरा भी नाम अंकित है। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आप एमएससी सीटी 2022 के स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि आप सभी को बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पहले पूछते थे कि सर हम लोग एलिजिबल है कि नहीं कैप राउंड के लिए वगैरह वगैरह। तो देखो स्टूडेंट, एलिजिबिलिटी जैसे कि आपको होता है 45% ओपन वालों के लिए और 40% कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अभी एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो, अपने मार्क जो है खुद डालो और चेक कर लो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो ठीक है, किस तरीके से करोगे, तो जैसे ही आप यहाँ पर जो तीन लाइन दिख रही है इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक में आया एक लिंक है चेक योर एलिजिबिलिटी। तो जैसे ही आप चेक योर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको आएगा रिजर्वेशन डिटेल। अब रिजर्वेशन डिटेल में आप कौन से कैंडिडेट हो, महाराष्ट्र टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, जो भी टाइप हो, फिर या तो अदर माइनॉरिटी स्टेट यानी कि अदर स्टेट से हो, फिर जे एंड के माइग्रेंट हो और फॉरन फॉरन स्टूडेंट हो, एनआरआई हो, पीआई हो। जो तो देखो, अगर मैं महाराष्ट्र टाइप पे डालूँ, ठीक है, मैं अपनी कैटेगरी डालूँ कि ओपन है, मैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में नो डाल दूँ, ठीक है, फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, और क्वालिफाइंग एग्जाम एचएससी, अगर मैंने एचएससी की है। तो अभी मेरे को ये सब आ गया है एक तरीके से फिजिक्स के मार्क्स बताने। तो समझो मेरे को फिजिक्स में मिले हैं 40 मार्क्स, ठीक है, और तो मेरा 100 में से ओके। फिर नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट मुझे समझो केमिस्ट्री में मिले हैं 45 मार्क्स, रुक जाओ, 45 आउट ऑफ 100, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स, फिर केमिस्ट्री में मुझे मिला 35, ठीक है, आउट ऑफ तो 100 ही होगा, ठीक है, तो ये भी परसेंट बन जाए। अब नीचे आता है फिर इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में समझो 50 मिला है, ठीक है, आउट ऑफ 100, तो ये जो परसेंट बन जाएगा एग्जैक्टली देख ली। तो एग्रीगेट, अब ओवरऑल देखो इधर क्या, एच एस सी एग्रीगेट शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन 0। एग्रीगेट समझो मुझे एग्रीगेट मिला है, समझो 50 मार्क्स मिला एग्रीगेट, ठीक है, 50-55 कर लेते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 100, तो हमारा जो एग्रीगेट मार्क्स हो जाएगा 55। तो चेक एलिजिबिलिटी, प्लीज सिलेक्ट एच एस सी बोर्ड, ओके, सिलेक्ट नहीं किया क्या, हाँ एच एस सी बोर्ड, आगे बोर्ड कौन सा है, बोर्ड देख लेते हम, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर, आपका जो भी बोर्ड होगा आप वो डाल देना, ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया। अब चेक करूंगा एलिजिबिलिटी, तो मैं देखो, एज यू हैव लेस देन 44.50 मार्क्स इन द सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एडेड टुगेदर इन एच एस सी, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर। अभी जैसे कि इस बच्चे का तीनों मिला के 44.50% नहीं बन रहा था, तो ये एलिजिबल नहीं है, तो आप भी अपना डाल के एक बार चेक कर लेना, ठीक है। होप करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो को पसंद लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।